चुनाव खत्म हो गए हैं, जनता का फैसला भी आ गया है, पंजाब में सरकार बन भी गई है। अब इंतजार है यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार के गठन का। यूपी में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। मंत्री कौन कौन होगा अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अभी तक बरकरार है। सवाल ये है कि क्या चुनाव हार चुके पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और गोवा में माना जा रहा है कि प्रमोद सावंत ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। कल पीएम मोदी ने प्रमोद सावंत के साथ मुलाकात की और एक तस्वीर भी इसके बाद ट्वीट की गई। पंजाब में भगवंत मान तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी सवाल बना हुआ है कि पंजाब में बाकी कौन कौन मंत्री बनेंगे उनके कैबिनेट में। इसके अतिरिक्त मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर भी बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। तो चार तस्वीरों के जरिए हमने चार राज्यों की हकीकत बताई और मणिपुर में भी बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की शपथ की तारीख आ गई। सवाल बना हुआ है कि इस बार कौन कौन बनेगा मंत्री। बड़ी खबर यह है कि कल जो बड़े नेताओं की बैठक हुई थी उसमें चुनाव नतीजों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए इस मंत्रिमंडल की, योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसकी खास बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा, 40 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के 10 से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा महिलाओं की नुमाइंदगी भी इस बार दिखेगी, तकरीबन 6 से 7 महिला मंत्री योगी मंत्रिमंडल में बनाई जा सकती हैं। सबसे शिक्षित मंत्रिमंडल भी योगी सरकार का ये होगा, 10 से 15 मंत्री डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और पेशे से वकील होंगे। जीत के मुताबिक हर क्षेत्र की नुमाइंदगी भी मंत्रिमंडल में तय की जाएगी। तो कैसा होगा योगी कैबिनेट का मंत्रिमंडल, उसकी प्रमुख बातें हम आपके सामने रख रहे हैं जो अब तक बैठकों के दौर से उभर कर सामने आई। योगी 2.0 के शपथ की तारीख तय। सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन शपथ ग्रहण किस तारीख को होगा, समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये सब तय करने के लिए दिल्ली में देर रात तक बैठक चली, जिसमें मेहमानों को बुलाने पर चर्चा की गई। अमित शाह के घर हुई इस बैठक में अध्यक्ष JP नड्डा, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल थे। चार राज्यों में सरकार गठन के लिए BJP की कवायद तेज है। खूब मंथन के बाद UP में योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। तो उधर पार्टी गोवा और मणिपुर पर भी फैसला कर चुकी है। गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत, तो मणिपुर में N बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों नेताओं ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर ली। लेकिन एक राज्य BJP के लिए अब भी बड़ी पहेली बनी हुई है, उत्तराखंड, जहां खुद CM की हार से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। कई सीनियर नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में BJP के सामने सबसे बड़ा सवाल चेहरा चुनने को लेकर नहीं है, बल्कि उससे पहले उलझन ये है कि CM के लिए धामी या फिर कोई और। पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं, वो अमित शाह से भी मिले। इस मुलाकात में अनिल बलूनी भी मौजूद थे, लेकिन मुलाकात तो कई दौर की हो चुकी है, पर मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया है। ये तो तय है कि होली के बाद ही CM के नाम का ऐलान और शपथ ग्रहण होगा, पर CM कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होली के अगले दिन 19 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधायक दल की बैठक में ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ख्याल रखेगी BJP। तो उत्तर प्रदेश में BJP जीत कर आई है, योगी 2.0 की तैयारी चल रही है। ABP News, आपको रखे आगे।